वेलकम बैक टू चॉट्स का सचिंग वैसे टिक। सो गाइस यहाँ पे अगर आप एक ट्रू वायरलेस ईयरफोन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर आपको गाइस यूज करने में काफ़ी अच्छा लगता है तो आपको ट्रू वायरलेस ईयरबोड को खरीदना पड़ेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ट्रू वायरलेस ईयरफोन में गाइस ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी आती है जो कि गाइस यहाँ पे अगर आप जान लें तो आपको जो ट्रू वायरलेस ईयरफोन है उसको खरीदने में थोड़ा आसानी रहेगी। ये स्पेशली गाइस मैं खुद का ओपिनियन आपको कुछ शेयर करूँगा, कुछ मैं कैसे निकाला हूँ तो वहाँ शेयर करूँगा। इस प्रकार से गाइस मैं आपको कुछ ऐसा दूंगा जिसकी मदद से गाइस जब आप ट्रू वायरलेस ईयरफोन खरीदेंगे तो आपको गाइस यहां पे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। आप खुद से चूज कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट ट्रू वायरलेस ईयरफोन है जो कि हमारे लिए बेस्ट यूजेस है। और इस प्रकार से गाइस यहां पे दो ही मेन चीजें जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो यहां पे इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ट्रू वायरलेस खरीदने से पहले कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सो इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चले गाइस। इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे ट्रू वायरलेस ईयरफोन खरीदने से पहले कुछ ऐसी मतलब कि उसमें आप कुछ देखना ये जरूरी होता है कि ट्रू वायरलेस ईयरफोन में आखिर है क्या, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मुझे ईयरफोन खरीदना है, मुझे सिंपल सा यूज करना है। लेकिन बहुत से लोगों को गाइस कुछ ऐसे समय पे यूज करना पड़ता है जिनको गाइस की मतलब कि उस समय वो आराम के लिए यूज करें, उससे रिलेटेड खरीदे लेकिन उनको वो सुविधा नहीं मिल पाए तो वो उसको बेकार बोलेंगे कि ये कंपनी बेकार है। लेकिन यहाँ पे कंपनी खराब नहीं होती, आप अगर प्रोडक्ट अच्छे से लेंगे तो आपको अच्छा ही वहाँ पे जिस हिसाब से आप लेंगे उसी प्रकार का मिलता है। लेकिन गाइस आप सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या फिर सही से आपने परचेज नहीं किया देख के। तो यहाँ पे गाइस दो ऐसी चीजें यहाँ पे हैं जो कि गाइस ट्रू वायरलेस ईयरफोन में मेन मैटर करती है जब आप इसे परचेज करते हैं या फिर कोई नॉर्मल आदमी इसे जब परचेज करता है। यहाँ पे गाइस जो पहला चीज है उसमें से यहाँ पे आपको जो इसका चिपसेट है उस पर आपको मैटर करना चाहिए या फिर उसको पूरी तरह से जानना चाहिए, क्योंकि ये जो चिपसेट है गाइस वो कई प्रकार से यहाँ पे आपको हेल्प करता है ट्रू वायरलेस ईयरफोन में आपको बेटर मतलब कि कन्फ्रेंस जो कि गाइस बेटर एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है इसका चिपसेट। और यहाँ पे दूसरा जो चीज़ है गाइस यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन का सिस्टम जो कि एक न्यू टेक्नोलॉजी इस समय की जनरेशन में आई है। नॉइस टेक्नोलॉजी में गाइस आपको एक्चुअली होता क्या है कि आपको बाहर की वॉइस बिल्कुल भी नहीं सुनाई देती, आप बिल्कुल क्लियर तरीके से उस ट्रू वायरलेस ईयरफोन की वॉइस सुन सकते हैं और ये होता है नॉइस टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों चीज़ अगर गाइस आप प्रॉपर तरीके से जान जाएँ तो आपको ट्रू वायरलेस ईयरफोन खरीदने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। सो चलिए आपको इन दोनों के बारे में मैटर काफ़ी फुल डिटेल्स में आपको बताते हैं। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम चिप सेट के मैटर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे गाइस सबसे पहले आपको इसमें स्टेबल वायरलेस कनेक्टिविटी को देखना चाहिए और इसमें जो लो लेटेंसी ऑडियो है ये इसका मैटर करता है इस यहाँ पे चिप सेट में। तो यहाँ पे गाइस जो चिप सेट गाइस इसमें आपको लो लेटेंसी का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे जो ऑडियो गाइस उसकी स्पीड काफ़ी बेटर मिलती है, जहाँ पे ट्रू वायरलेस में मतलब कि ऑडियो डायरेक्ट नहीं जाती। अगर मान लीजिए कोई वीडियो आप प्ले किए हैं तो वो गाइस कुछ तो डिफरेंस ही होता है, लेकिन लो लेटेंसी जो होती है गाइस ऑडियो उसमें बिल्कुल टाइम टू टाइम एकदम चलता रहता है। तो ये लो लेटेंसी और यहाँ पे गाइस आपको मतलब कि इसका जो वायरलेस कनेक्शन है उसको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है जो कि स्पेशली इसके चिपसेट द्वारा आता है। तो ये मेन चीज़ है, मेन पॉइंट है इसका पहला। और गाइस यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो है साइज ऑफ चिपसेट, यानी कि आप जो ट्रू वायरलेस ईयरफोन यूज कर रहे हैं उसके चिपसेट की साइज क्या है, ये आपको मेन मैटर करता है। क्योंकि साइज के हिसाब से गाइस यहाँ पे बैटरी को यहाँ पे फिट किया जाता है, अगर साइज छोटी रहती है तो बैटरी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, प्लेबैक ज़्यादा मिलेगा, इस हिसाब से गाइस यहाँ पे चिपसेट की साइज भी यहाँ पे मेन मैटर करती है। सो गाइस यहाँ पे ये जो मतलब कि मेन चीज़ यहाँ पे जो चर्चा की गई वो है गाइस सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस एंड यहाँ पे गाइस ईयरपॉड्स प्रो जो कि गाइस यहाँ पे मतलब कि सबसे प्रीमियम ईयरफोन है इस जनरेशन के। तो यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी गाइस इसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा चिपसेट मिल जाता है जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है। यहाँ पे गाइस जो ईयरपॉड्स प्रो है गाइस उसमें आपको पहले W1 का चिपसेट मिलता था, लेकिन यहाँ पे गाइस फाइनली अब H1 का हो गया है। तो इसमें W1 से H1 में यही डिफरेंस है गाइस, H1 में आपको वॉइस मतलब असिस्टेंट का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे गाइस आप इसमें वॉइस कमांड कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा गाइस इसमें आपको बैटरी काफ़ी बेटर मिलती है। तो यहाँ पे ज़्यादा बैटरी आपको ईयरपॉड्स प्रो में मिलती है, अगर आप टॉक टाइम की बात करें आप फोन से बात करें तो यहाँ पे गाइस आपको 18 आवर का प्लेबैक मिलता है ईयरपॉड्स प्रो में टॉक टाइम में, और गैलेक्सी बड्स में गाइस आपको जो टॉक टाइम का टाइम मिलता है वो 7.54। तो दोनों में गाइस डिफरेंस यही है गाइस कि सैमसंग का जो चिपसेट है गाइस वो आपको काफ़ी साइज में बड़ा मिलता है, लेकिन जो यहाँ पे ईयरपॉड्स प्रो है उसका चिपसेट छोटा मिलता है। इस हिसाब से इसमें बैटरी की मैटर करता है और ये गाइस यहाँ पे इसके चिपसेट के मैटर जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और गाइस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन जो कि गाइस उसका दूसरा मतलब कि जरूरी बात है मैटर है, तो नॉइस कैंसलेशन गाइस लगभग इस समय के हर एक प्रीमियम ईयरफोन पे आपको मिल जाता है। और नॉइस कैंसलेशन उस समय गाइस आपको हेल्प करता है जब आप पब्लिक प्लेसेस पे रहते हैं। यहाँ पे गाइस जो
ट्रू वायरलेस ईयरफोन में जिसमें आपको कई प्रकार के नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे कुछ में ANC का सपोर्ट मिलता है जो कि होता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, जो कि आपको खुद से इनेबल करना रहता है। जब आप इनेबल कर देते हैं तो वहाँ पे बाहर की नॉइस नहीं आती, और यहाँ पे इससे जो है आपको जो ट्रू वायरलेस ईयरफोन है इसके बैटरी पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर बैटरी 7 आवर प्लेबैक दे रही है ईयरबड्स की तो वो 6 आवर हो जाएगी। तो ANC से थोड़ा सा बैटरी प्रभाव पड़ता है, लेकिन आपको काफ़ी बेटर तरीके से आप अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ये होता है ANC का सपोर्ट, और इसकी मदद से आप इसमें नॉइस कैंसिलेशन यूज कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन में एक्चुअली होता क्या है कि आप गाइस आपको जो माइक्रोफोन की डिजाइन होती है वो गाइस आपको जो नॉइस गाइस उसको पिकअप करती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट जो एनालाइज गाइस वो वॉइस को पिकअप नहीं करती, वो वॉइस को बाहर निकालती है, यानी कि जो माइक्रोफोन की वॉइस वो केवल आपके ईयर्स में आती है इस नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। और यहाँ पे गाइस जो मतलब कि बाहर की नॉइस वो इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी रहती है जिसकी मदद से वो वॉइस आपके ईयर्स में नहीं आती, और इस हिसाब से होता है नॉइस कैंसिलेशन एंड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। और गाइस यहाँ पे जो ईयरपॉड्स प्रो है और सैमसंग गैलेक्सी बड्स, इसमें भी आपको ANC का सपोर्ट मिलता है, लेकिन सैमसंग में तो अभी रिसेंटली आया, लेकिन ईयरपॉड्स के कुछ जनरेशन में आया था। ईयरपॉड्स में गाइस आपको 3 नॉइस कैंसिलेशन सिस्टम मिलते हैं, जिसमें से पहला एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन सिस्टम, दूसरा गाइस ट्रांसपेरेंसी मोड जिसमें गाइस आपको मिक्स एंबिएंट साउंड का ऑप्शन मिलता है। एंबिएंट साउंड मतलब कि गाइस जो और साउंड है बाहर की भी वॉइस रहती है और आपकी भी वॉइस, तो इस प्रकार से दोनों वॉइस को मिक्स करके एंबिएंट साउंड बनाता है। तो इस हिसाब से गाइस आपको मोड्स मिलते हैं यहाँ पे ईयरपॉड्स में, जो कि इजीली तरीके से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे गाइस दो ही मेन पॉइंट है जो कि गाइस यहाँ पे अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में जान लिए तो आपको ईयरपॉड्स खरीदना काफी ज्यादा बेटर होगा और एक अच्छा खासा सही ईयरपॉड्स आप परचेज कर सकते हैं। सो आई होप गाइस मैंने जो आपको डिटेल्स में बताया ईयरपॉड्स खरीदने पहले आपको किन बातों का ध्यान रखने के लिए, इसके बारे में सारी डिटेल्स अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।